जल्द ही आपकी कारों, टू व्हीलर और ट्रांसपोर्ट वाहनों पर थर्ड पार्टी प्रीमियम बीमा बढ़ सकता है। दरअसल IRDAI ने 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष में प्रीमियम दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है। इरडा ने वित्त वर्ष 2020-21 में 1000 सीसी से कम की कारों के लिए थर्ड पार्टी मोटर बीमा प्रीमियम दरों को 5.3% बढ़ाकर 2182 रुपए करने का प्रस्ताव किया है। अभी यह 2072 रुपए है। इसी तरह 1000 सीसी से 1500 सीसी की कारों के लिए प्रीमियम को 3221 रुपए से बढ़ाकर 3383 रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। वहीं 1500 सीसी से ज्यादा की कारों के लिए थर्ड पार्टी प्रीमियम को मौजूदा रेट 7890 रुपए पर ही कायम रखने का प्रस्ताव किया गया है। आमतौर पर थर्ड पार्टी दरों में 1 अप्रैल से संशोधन किया जाता है। इस मसौदे के मुताबिक 75 सीसी से कम के टू व्हीलर्स पर थर्ड पार्टी प्रीमियम को 482 रुपए से बढ़ाकर 506 रुपए करने का प्रस्ताव है, तो वहीं 75 सीसी से 350 सीसी के टू व्हीलर्स पर भी प्रीमियम में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। 350 से ज्यादा की बाइक पर प्रीमियम को 2323 रुपए से बढ़ाकर 2571 रुपए करने का प्रस्ताव है। इरडा ने इलेक्ट्रिक कारों और दुपहिया पर भी टीपी दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है। इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया यानी IIBI की ओर से मिले आंकड़ों का इस्तेमाल मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम रेट तय करने में किया जाता है। मोटर इंश्योरेंस दो तरह के होते हैं, एक पर्सनल एक्सीडेंट कवर और दूसरा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। इंडियन रोड सेफ्टी एक्ट और इंडियन मोटर व्हीकल के मुताबिक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूरी है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कोई भी प्रॉपर्टी डैमेज, दुर्घटना में घायल होने या थर्ड पार्टी की डेथ को कवर करता है। थर्ड पार्टी दोनों में किसी भी गाड़ी का ड्राइवर, कार के पैसेंजर, दूसरी गाड़ी के पैसेंजर या राह चलता कोई व्यक्ति हो सकता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर के प्रीमियम हर साल तय किए जाते हैं। इसके उलट पर्सनल एक्सीडेंट कवर में इंश्योरेंस कंपनी खुद प्रीमियम तय करती है। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या अंतर है, इसको लेकर लोगों के मन में काफी सवाल उठते रहते हैं। मोटर इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, लेकिन फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के नाम पर किसी भी तरह का बीमा नहीं होता। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के जैसा ही कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जरूर होता है। आपको बता दें कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के अंतर्गत गाड़ी के नुकसान के लिए जो कवर मिलता है वह लगभग फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस जैसा ही होता है। इसके जरिए वाहन को पूरी तरह से बीमा की सुरक्षा मिलती है। इसके अलावा सुरक्षा को मजबूती देने के लिए दूसरा कवर भी मिलता है। दरअसल गाड़ी के लिए इंश्योरेंस लेते समय थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के बीच अंतर को समझने के बजाय थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के अंतर को समझना बेहद जरूरी है।